हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त एंड एडवोकेट शानी और आप सभी को मेरे चैनल शानी स्लाब पर बुक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहती हूं। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो इसके लिए आप लोगों की एक वीडियो पिछले दिन मिस हो गई थी, मैं नहीं लेकर आ पाई। फ्रेंड्स, फिर भी मैं आज आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से आप लोगों की कोई भी क्लास मिस हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सदर्न इंडियन टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तबीयत खराब होने की वजह से मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, चाहती हूँ तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत आए इसके लिए मैं सॉरी हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, मैं जितना हो सके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सदर्न इंडियन टेम्पल यानी दक्षिण भारत के टेम्पल के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले पिछले दिन हम लोगों ने क्या देखा था फ्रेंड्स, पिछले दिन हम लोगों ने टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बेसिक के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टेट वाइज अब हम लोग धीरे धीरे इसकी डिस्कशन करेंगे। तो आज पहला दिन हम लोग दक्षिण भारत के टेम्पल्स को लेके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट हम लोग कौन सी स्टेट को देखेंगे फ्रेंड्स, एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे तेलंगाना स्टेट को। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तेलंगाना स्टेट में दो मंदिर फेमस है, वो कौन सी है फ्रेंड्स, एक है रामप्पा टेम्पल एंड सेकेंड है थाउजेंड पिलर टेम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रामप्पा टेम्पल के बारे में हम लोग क्या जान पाते हैं। आप सब लोग क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पर है रामप्पा टेम्पल। तो रामप्पा टेम्पल जो है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी हमारे इंडिया में रामप्पा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अंदर पड़ते हैं। उसके बाद क्या है, इट वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड इन 1213। कौन इसे कॉन्स्ट्रक्ट किए थे, ड्यूरिंग काकतीय एम्पायर इट वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड बाई गजेंद्र रुद्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या देखा, रामप्पा टेम्पल कब तैयार हुई थी, 1213 एडी पर, और किस समय, जब काकतीय एम्पायर बिलोंग कर रहे थे उस समय, और इस मंदिर की कॉन्स्ट्रक्ट कौन करे थे, रिचर्डला रुद्र ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं यहाँ की मेन भगवान कौन है। यहाँ की मेन भगवान है रामा लिंगेश्वर स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ चुके हो रामप्पा टेम्पल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं थाउजेंड पिलर टेम्पल के बारे में हम लोग क्या जान पाते हैं। तो इस मंदिर की और एक फेमस नेम है, वो नेम क्या है, रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये जो टेम्पल, फ्रेंड्स आप लोग ये जो टेम्पल मैं बोल रही हूँ, ये जो टेम्पल के जो नेम है इसे थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए, ताकि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस मंदिर की और एक फेमस नेम है, वो है रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल। और ये जो टेम्पल है एक किंग भगवान के ऊपर डेडिकेटेड है, भगवान शिव, भगवान शिवा, विष्णु एंड सूर्या। ठीक है, तो यहाँ पर तीन मेन देवी है, वो कौन सी है, भगवान शिव, विष्णु एंड सूर्य। और इन तीनों भगवान को एक साथ त्रिकुटलम, त्रिकुटलम बोला जाता है। तो ये तीन भगवान को क्या बोला जाता है, त्रिकुटलम। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, दक्षिण की जो नेम है वो थोड़ी ट्रिकी होती है, तो इसके लिए अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो जाए तो प्लीज आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए
देखते हैं उसके बाद क्या है। इट वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गणपति देवा, रुद्रमा देवी एंड प्रताप रुद्र एक्सेट्रा। तो ये जो मंदिर है वो किन लोगों के समय कॉन्स्ट्रक्ट हुई थी, वो है गणपति देवा, उसके बाद आए रुद्रमा देवी, फिर आए प्रताप रुद्र, ये सब राजाओं ने आके इन टेम्पल्स को और भी ज्यादा डेवलप किए थे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग जान गए कि तेलंगाना में कौन सी टेम्पल बेस्ट है। तो चलिए अब हम लोग दूसरी स्टेट पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सी टेम्पल इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स एट फर्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पर है वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। देखो फ्रेंड्स इस टेम्पल की नेम क्या है, टेम्पल की नेम है वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है। इसकी लोकेशन है विशाखापट्टनम, ठीक है। और इन टेम्पल की यानी इस टेम्पल की मेन डेटी कौन है फ्रेंड्स, इस टेम्पल की मेन डेटी है लॉर्ड नरसिम्हा। आप लोग तो सब लोग जानते ही हो भगवान नरसिम्ह जी को, यानी जिनकी बॉडी इंसान की तरह है और जिनकी जो माथा है वो लायन की तरह है, तो वही भगवान की मंदिर है, उनको ही कहा जाता है लॉर्ड नरसिम्हा। तो हम लोगों ने क्या देखा, कौन सी मंदिर, वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। चलिए अब दूसरे टेम्पल पर चलते हैं। सेकेंड टेम्पल है श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल। तो कौन सी टेम्पल है फ्रेंड्स, श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल। मैं यहाँ पर पॉइंट कर देती हूँ ताकि आप लोग इसे आसानी से देख पाओ। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है। इसकी लोकेशन है नालावाला हिल्स, बैंक ऑफ बिहार कृष्णा, ठीक है। तो किस नदी के तट पर ये है श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल, वो है कृष्णा रिवर की बैंक पर, और कौन से पहाड़ के ऊपर, नालावाला हिल्स के ऊपर। और यहाँ की जो डेडिकेटेड भगवान क्या कौन है फ्रेंड्स, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, ठीक है। तो यहाँ की मेन देवी है लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। चलिए आप देखते हैं इस टेम्पल की बिल्डिंग कौन किए थे। तो बिल्डर दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय फर्स्ट सातवाहना एंड लेटर हरिहरा फ्रॉम विजयनगर एम्पायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो एट फर्स्ट सातवाहना ने इस मंदिर को बनाना शुरू किए थे। उसके बाद जब विजयनगर एम्पायर की शुरुआत हुई उस समय हरिहर आके इस मंदिर को और भी ज्यादा डेवलप किए थे। चलिए इस मंदिर की अनदर नेम क्या है, इस मंदिर की अनदर नेम है श्री शैलम टेम्पल और उसके साथ साथ ब्रह्मारम्भ टेम्पल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग और एक टेम्पल को देखते हैं, उस टेम्पल की नाम नेम है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। कौन सी टेम्पल है फ्रेंड्स, रंगनाथ स्वामी टेम्पल। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी लोकेशन भी है नेल्लोर आंध्र में, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड रंगनाथ को, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ की भगवान की नेम क्या है, लॉर्ड रंगनाथ, जिनके ही ऊपर बेस करके ये मंदिर बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आंध्र की और भी कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आंध्र प्रदेश की और एक फेमस टेम्पल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। फेमस टेम्पल कौन सी है फ्रेंड्स, लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। टेम्पल की नेम क्या है फ्रेंड्स, लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तिरुमला आंध्रा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग सब देख पा रहे हो ठीक से। तो इसकी लोकेशन है तिरुमला आंध्रा। अब ये डेडिकेटेड है कौन सी भगवान के ऊपर, श्री वेंकटेश्वर देव के ऊपर बेस करके इस मंदिर को बनाया गया है। अब इसकी
डेवलपमेंट हुई थी यानी इस मंदिर की जो डेवलपमेंट किया गया था वो किस समय हुई थी? वो हुई थी चोला एम्पायर के समय। अब इस मंदिर की और भी बहुत सारे फेमस नेम है, इसमें से जो मेन मेन है वो है तिरुमाला टेम्पल और उसके साथ साथ तिरुपति बालाजी टेम्पल। तो फ्रेंड आई होप आप सब लोग इस नेम से तो पहचानते हो इस नेम को, तो कौन सी है फ्रेंड्स? तिरुपति बालाजी टेम्पल। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आंध्र प्रदेश की कुछ फेमस टेम्पल। तो फ्रेंड्स मैं आज की क्लास को यहीं पर ही खत्म करती हूँ। फ्रेंड्स मेरी तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं आप लोगों के पास माफी चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट डे पे कोशिश करूंगी इसकी सेकेंड पार्ट को लेकर आ सकूं, लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं नहीं आ पाए तो प्लीज आप लोग मुझे माफ कर देना। मैं जल्दी ही आप लोगों के ये जो टेम्पल्स ऑफ इंडिया है इसको स्टेट वाइज अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आप लोग।